नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ब्लैक फंगस से बचाव किया जा सकता है। जो ब्लैक फंगस है उसे कोरोना वायरस टिगर करता है। COVID-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट का कहना है कि ये उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। इन लोगों में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए यह ब्लैक फंगल जो है वह ज़्यादा असर करता है। डॉक्टर त्रेहान ने बताया है कि जो ब्लैक फंगस है वह नाक के द्वारा या फिर मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। इस ब्लैक फंगस से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें। दूसरी चीज, COVID-19 से रिकवरी के बाद भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल मॉनिटर करते रहें। स्टेरॉयड का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिटीफायर के लिए साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स या एंटीफंगल दवाएं का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करें। अब हम कैसे समझें कि हमें ब्लैक फंगस का अटैक हो गया? अगर आपके नाक में दिक्कत महसूस हो रही है, अगर आपको सिर में दर्द है, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है या सूजन हो रही है, चेहरा सुन्न पड़ गया है, चेहरे का रंग बदल रहा है, पलकें सूज गई हैं, दांतों में कुछ हो रहा है, हिलने लग गए हैं, दांतों में दर्द हो रहा है, या फिर बुखार आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कफ हो गया है, खराश में खून आ रहा है, सीने में जलन है, या फिर धुंधला दिखाई पड़ने लगा है, ये लक्षण ब्लैक फंगस के हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमको क्या करना है? आज हम आपको कुछ आयुर्वेदिक उपाय बता रहे हैं जिसके करने से आप ब्लैक फंगस से बचाव कर सकते हैं। ये जो उपाय हैं, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी, जो गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के जाने माने डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बताया है। बहुत ही अच्छा उपाय है। फंगस दो तरह से जाता, मुँह से जाता है या फिर नाक से जाता है। तो मुंह का बचाव कैसा करना है, उन्होंने बताया कि एक मंजन करना है। सुबह शाम आपको मंजन करना है। मंजन के लिए कैसे बनेगा? ये जो है, ये हमारी जो फिटकरी है उसकी भस्म है। इसे हमने पहले इसको गर्म किया, उसके बाद में उसको ठंडा करके इसकी भस्म बना ली। ये हल्दी है, ये एक भाग लेना है तो इसको दो भाग लेना। और ये है सेंधा नमक, ये है सेंधा नमक, इसके चार भाग, ये एक भाग, ये दो भाग और ये सेंधा नमक चार भाग। एक चम्मच के आसपास दिख रहा है आपको, ये दो चम्मच के साथ में, ये करीब करीब चार चम्मच के आसपास में। अब इन तीनों को मिक्स कर लेना है। ये हमारा तैयार हो गया, मिक्स कर लिया हमने। अब हम जैसे सपोज इतना सा ले लिया, अब हम इसे ये इतना सा ले लिया, अब इसमें हम पानी मिला करके भी मंजन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें हमको थोड़ा सा इतना सा हमने, ये है सरसों का तेल, इस सरसों तेल को हमने मिला लिया, इस तरह से हमने मिला लिया। ये जो पेस्ट बन गया, अब इस पेस्ट का हमको सुबह और शाम मंजन करना है। ये जो पेस्ट है, इस पेस्ट को लेकर के हमको मंजन करना है सुबह शाम, जो क्या करेगा, हमारे के मुंह के फंगस को रोकेगा। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको पाइटिया ना होगा, दांत मजबूत होंगे, मसूड़े नहीं दुखेंगे, इसके अलावा कैविटी नहीं होगी, और जो जिनके पीले दांत हो रहे हैं वह भी चकाचक मोती जैसे चमकने लगेंगे। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, पूरी तरह से आयुर्वेदिक उपाय है। तो ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
तो ये हमारा तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया है। आप इसे यूज करिए और मुंह की फंगस से बचाइए। इसके बाद उन्होंने बताया कि नाक का बचाव कैसे करना। नाक के बचाव के लिए आपको सुबह और शाम स्टीम लेना है। स्टीम के बाद में आपको सरसों के तेल की कुछ बूंदें डाल लीजिए, बस आपका ब्लैक फंगस से बचाव हो गया। आपको कभी ब्लैक फंगस नहीं होगा, तेल से कभी फंगस नहीं आती है। आप देखिए अचार, जब तक अचार में आम का अचार रहता है उसमें तेल रहता है, सरसों का तेल रहता है, जब तक फंगस नहीं लगती। जैसे तेल खत्म, फंगस लगना चालू। तो ये उपाय करिए और अपने आप को ब्लैक फंगस से बचा कर रखिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।